दोस्तों, हम जानते हैं दुनिया में कई सारे देश हैं और इन सभी देशों की अलग अलग पहचान और संस्कृति है। दुनिया में अनेक प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे हुंजा जनजाति और वेली के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी ऐसी एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसका नाम हुंजा समुदाय है। यह हुंजा समुदाय पाकिस्तान के गिलगित और बाल्टिस्तान में बर्फीले पहाड़ों से घिरे हुंजा वैली में स्थित है। दरअसल हुंजा गांव भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पास पड़ता है। इस हुंजा जनजाति को दुनिया का सबसे जवान और खूबसूरत समुदाय भी कहा जाता है। इनकी खास आदतों और जीवन शैली की वजह से अधिक सेहतमंद रहते हैं और ज़्यादा आयु तक जीवित रहते हैं। इस गांव को युवाओं का नखलिस्तान भी कहा जाता है। हुंजा गांव के लोगों की औसत उम्र 110 से 120 साल तक है। इस जनजाति की खास बात यह है कि यहां के लोग बहुत खूबसूरत और जवान जवान से दिखते हैं, खासकर औरतें जो कि 65 साल तक जवान रहती है और वे इस उम्र में भी संतान को जन्म दे सकती है। हुंजा गांव हिमालय की पर्वतमाला पर स्थित है। इसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है जहां से आगे पर भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती है। हुंजा जनजाति की जनसंख्या लगभग 87,000 है और ये पाकिस्तान के अन्य समुदायों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यह जनजाति और उनकी जीवन शैली सैकड़ों साल पुरानी लगती है। हुंजा जनजाति के लोग बिना किसी समस्या के कई सालों तक जीवित रहते हैं। कहते हैं इनमें से कई लोग तो 165 साल तक जिंदा रहते हैं। हुंजा जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ट्यूमर जैसी बीमारी का तो उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना। इन लोगों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खानपान और अच्छी जीवन शैली लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हुंजा के लोग खूब खुमानी खाते हैं। कुछ लोग इन लोगों को किसी यूरोपीय नस्ल से जोड़ते हैं। वास्तव में यहाँ के लोग गोरे चिट्टे, जवान, हसमुख और आसपास की आबादी के बिल्कुल अलग दिखते हैं। हुंजा के लोग शून्य के भी नीचे के तापमान पर बर्फ़ के ठंडे पानी में नहाते हैं। यह लोग वही खाना खाते हैं जो ये खुद उगाते हैं, जैसे कि खुमानी, मेवे, सब्जियां और अनाज में जौ, बाजरा और कुटू इत्यादि है। यह कम खाते हैं और पैदल ज़्यादा चलते हैं। रोज़ाना 15 से 20 किलोमीटर तक चलना और टहलना उनकी जीवन शैली में शामिल होता है। साथ ही हंसना भी उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। हुंजा घाटी सबसे अनोखी और अज्ञात तितलियों की प्रजातियों का घर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू हुंजा घाटी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित यह चोटी 28,251 फीट ऊंचाई पर है। हुंजा घाटी में रहने वाले सभी लोगों के घर पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पर 400 साल पुराने कुछ घर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।